ये हमारा वीडियो भाई आहूजा के इस 250 वाट एम्पलीफायर के ऊपर होने वाला है। इस एम्पलीफायर के बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ में बात करेंगे जैसे कि इस एम्पलीफायर का इस समय हमारे मार्केट में कितना प्राइस रेंज देखने को मिल जाते हैं, और ये भी देखेंगे 250 वाट इस एम्पलीफायर पे हम कितना लोड डाल सकते हैं, जैसे कि ये एम्पलीफायर हमारा कितना आउटपुट निकाल के देता है, इस एम्पलीफायर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड दे के चला सकते हैं। तो आहूजा की तरफ से ये हमको एम्पलीफायर देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो SSA एक एम्पलीफायर और है, जो यहाँ पे SD कार्ड ब्लूटूथ वहाँ पे पेन ड्राइव लगा के आप चला सकते हैं, तो उससे पुराना मॉडल का ये पहले एम्पलीफायर आया था, उससे बाद वो एम्पलीफायर लॉन्च हुआ है, तो ये पहले का एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का प्राइस थोड़ा हमको कम देखने को मिल जाता है। तो इस एम्पलीफायर में जो भी फीचर्स है तो आपको इसी वीडियो में मालूम चल पाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेम सेटिंग हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें भी हम 6 माइक लगा के चला सकते हैं यहाँ पे विदाउट मिक्सर, जैसा कि मिक्सर नहीं है आपके पास प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप 6 माइक लगा के चला सकते हैं। और देख सकते हैं स्पीकर हॉर्न मोड और स्पीकर मोड, जैसे कि भाई बॉक्स पे चलाना चाहते हैं तो बॉक्स की तरफ और हॉर्न चलाना चाहते हैं हॉर्न की तरफ, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बेस वॉल्यूम और ट्रेबल, और जैसा कि यहाँ पे लाइट इंडिकेटर देख सकते हैं आप, और ओवरलोड और पावर का जैसा कि यहाँ पे आप स्विच देख सकते हैं, और जैसा कि यहाँ पे रीसेट, ये एम्पलीफायर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ेगा, जैसा कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता, जैसे कि काफ़ी पुराना एम्पलीफायर है और भाई अभी तक एक भी बार खुला नहीं है ये एम्पलीफायर, जब से लिए है भाई आहूजा का ये एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और काफ़ी ज़्यादा लोड लेके चलते हैं, जैसा कि ज़्यादा लोड पड़ने पे भाई ये जैसा कि ट्रिप हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से भाई इसको रिसेट करके आप चला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की। तो बैक पैनल में हमको सेम सेटिंग देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे आप इसका सीरियल नंबर, जो आहूजा का सीरियल नंबर होता है यहाँ पे आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा, और आहूजा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, मॉडल नंबर SSA 250M, जैसा कि इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं अदर एम्पलीफायर, अगर आप सीरीज करना चाहते हैं तो लाइन आउट में लाइन इन में आप सीरीज कर सकते हैं, और जैसा कि यहाँ पे आप डायरेक्ट मोबाइल से बजाना चाहते हैं या भाई मिक्सर इससे सीरीज करके मिक्सर से चलाना चाहते तो यहाँ पे AUX 1 में या AUX 2 में यहाँ पे आप चला सकते हैं, और जैसा कि भाई आप स्पीकर चलाना चाहते हैं जैसे कि बॉक्स चलाना चाहते तो यहाँ पे आप चला सकते हैं, और जैसा कि भाई LMT लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हॉर्न चलाना चाहते काफ़ी दूर पे 100 मीटर या 200 मीटर पे लगाना चाहते तो आप यहाँ पे लगा के चला सकते हैं जैसा कि LMT के लिए, और जैसा कि बैटरी से अगर आप चलाना चाहते हैं जैसे कि DC करंट से तो यहाँ पे 24 वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ेगा आपको, जैसे कि 12 बार वोल्ट का 2 बैटरी लगेगा तब ये एम्पलीफायर ऑन होगा। और यहाँ पे आपको फ्यूज देखने को मिल जाता है, जैसा कि फ्यूज कटेगा यहाँ पे आपको, जैसा कि इस एम्पलीफायर में अंतर कोई फॉल्ट नहीं आता, जो भी होगा आपको यहाँ पे फ्यूज कट जाएगा जो भी फॉल्ट होना होगा, और ओवरलोड पड़ता है तो वहाँ पे आप रीसेट करके चला सकते हैं, इसीलिए इस एम्पलीफायर को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस माना गया है कि ये एम्पलीफायर जल्दी खुलता नहीं और भाई इस एम्पलीफायर में भी फॉल्ट नहीं आता, जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाल दो या भाई लाइट भी ऊपर नीचे आता है तो ये मैनेज कर लेते हैं भाई। और यहाँ से पावर केबल आप देख सकते हैं इस एम्पलीफायर का। तो ये तो हो गया इस एम्पलीफायर का कुछ डिटेल्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जैसे कि इस एम्पलीफायर के एम्प्रोक्स प्राइस की, कि ये एम्पलीफायर जो है भाई कितने प्राइस रेंज में मिल जाता है इस समय हमारे मार्केट में। तो आहूजा का ये काफ़ी पुराना मॉडल का एम्पलीफायर है, जैसे कि आहूजा का SSA में 250 वाट का एम्पलीफायर सबसे पहले ये एम्पलीफायर लॉन्च हुआ था, जो अब क्या आ रहा है भाई यहाँ पे SD कार्ड ब्लूटूथ जैसा कि पेन ड्राइव आप लगा के चला सकते हैं। तो आहूजा का ये एम्पलीफायर का प्राइस जो होने वाला है इस समय हमारे मार्केट में भाई 17,000 से 17,500 के बीच में ये एम्पलीफायर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो न्यू मॉडल आया है जैसा कि SSA 250 वाट का, वो एम्पलीफायर आपको ब्लूटूथ और SD कार्ड काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हमको देखने को मिल जाएंगे, पर भाई लोड के मामले में भाई ये कुछ ज़्यादा ही लोड लेके चलेगा, जैसा कि 2 टॉप आप 12 इंची का चला सकते हैं इस पर। तो बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के प्राइस की। तो इस एम्पलीफायर का प्राइस भाई आपको जैसा कि आहूजा के डीलर से ले रहे हैं तो 17,000 में ये एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। और लोड की बात करें तो भाई 800 तो का ये लोड लेता है, जैसे कि 12 इंची का अगर आप 200 वाला दो स्पीकर चला रहे हैं जैसे कि 200 वाट वाला
दो स्पीकर चला रहे हैं तो दो टोक चला सकते हैं, 800 वाट ये लोड लेके चलता है, जैसे कि उसी तरीके से हम चलाते हैं, ओवरलोड नहीं होता और काफ़ी अच्छे से चलता है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा निकाल के देते हैं। प्रोग्राम के लिए भाई काफ़ी बेस्ट एम्पलीफायर है। तो आहूजा का ये एम्पलीफायर अगर आप यूज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स कैसा रहता है इस एम्पलीफायर का, और आपको अपने मार्केट में ये एम्पलीफायर कितने प्राइस में मिल जाता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और भाई बेल आइकन को अभी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हम अगला वीडियो डाले आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।